का उनका काम बहुत अच्छा है। सबसे अच्छा किसका काम? काम सुनने अच्छा किया। वरुण वरुण के बारे में बताइए, वरुण धवन के बारे में। वो उन्होंने भी काम अच्छा किया, इन्होंने अपनी पिक्चर को इन्होंने संभाल दिया। इनको बोलो, प्राजक्ता गोली की पहली मूवी है, उनके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं, फिल्म अच्छी बनी है, मेरे को पसंद है, और एक बार देखूंगा। नीतू कपूर बहुत दिन के बाद आई है, बहुत साल के बाद है, उन्होंने बहुत अच्छा किया। फाइव आउट ऑफ कितने स्टार्स दोगे? 3 स्टार देंगे। थैंक यू। और क्या कुछ अच्छा लगा आपको? देखो जाके। और वरुण धवन के किरदार कैसा लगा? मेन अनिल कपूर। 5 आउट ऑफ कितने स्टार दोगे? 5 आउट ऑफ 5। क्या कुछ कहना चाहोगे जुग जुग जियो के बारे में? कैसी लगी मूवी आपकी? किसका किरदार सबसे बेस्ट लगा? बहुत सारे कलाकार है इसमें। फनी कैरेक्टर इसका था, क्या नाम है, अनिल कपूर। अनिल कपूर। प्राजक्ता गोली की पहली मूवी है, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? प्राजक्ता गोली अच्छा एक्टिंग है। और क्लाइमेक्स कैसा लगा मूवी के? क्लाइमेक्स बहुत फनी था और थोड़ा इमोशनल टाइप। कोई ऐसा मैसेज जो ऑडियंस को देना चाहती है वो ये मूवी से? आपको सबको देखना चाहिए ये मूवी, ऐसा मतलब अच्छा मूवी है। 5 आउट ऑफ कितने स्टार्स होगी? 4.5। थैंक यू। कहना चाहोगे मूवी के बारे में? ये पंजाबी माहौल में बनी पिक्चर बहुत अच्छी है। जुग जुग जियो की जगह जुग जुग देखो। और अच्छे हैं, डायलॉग भी बहुत अच्छा है। नीतू जी और अनिल कपूर का किरदार किस तरह से लगा आपको? अच्छा लगा, सबसे अच्छा रोल अनिल कपूर का है। प्राजक्ता गोली नई कलाकार आई है यूट्यूब में, काफ़ी कमाल का, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? वो उसकी बहन बनी है वो, शायद वही ना। हाँ, ठीक है। और वरुण धवन का किरदार कैसा लगा? एवरेज। कोई ऐसा मैसेज जो मूवी से देना चाहोगे? वो जो अपना मैरिज लाइफ के ऊपर है, सबको देखनी चाहिए। 5 आउट ऑफ कितने स्टार्स होंगे? 4। थैंक यू। कहना चाहोगे मूवी के बारे में? मूवी बहुत अच्छी लगी। और क्या क्या सबसे अच्छी लगी मूवी में? सबसे अच्छी लगी एक्टिंग लगी कियारा की और वरुण धवन की। और मूवी से कोई ऐसा मैसेज देना चाहोगे जो ऑडियंस को देना चाहती हो मूवी? बस कुछ नहीं, प्यार करो, अच्छे से रहो, मतलब रिलेशन में शक मत करो। क्लाइमेक्स कैसा लगा मूवी का? क्लाइमेक्स तो अभी लास्ट में एंडिंग थी, अच्छी एंडिंग थी। 5 आउट ऑफ कितने स्टार्स? 5 आउट ऑफ 4। थैंक यू। मूवी के बारे में? मूवी बहुत अच्छी थी, सबसे बेस्ट अनिल कपूर थे उसमें, एंड कियारा आडवाणी वाज रियली ग्रेट, मनीष पॉल डिड अ ग्रेट जॉब, इवन प्राजक्ता गोली। एंड व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट प्राजक्ता फर्स्ट मूवी? हाउ वाज द परफॉर्मेंस? द रोल वाज वेरी स्मॉल बट शी डिड अ ग्रेट जॉब, एंड एनी डांस वाज वेरी गुड, वरुण धवन डिड अ ग्रेट जॉब, एंड कियारा आडवाणी वाज डूइंग सुपर। स्टोरी लाइन कैसी लगी? कोई क्लाइमेक्स कैसा लगा? स्टोरी लाइन वाज ओके, द कॉमिक टाइमिंग वाज ग्रेट, ओनली अनिल कपूर एंड मनीष पॉल स्पेशल। 5 आउट ऑफ कितने स्टार्स? प्राजक्ता गोली डिबेट वॉज वेरी गुड, अनिल कपूर वेरी कॉमेडियन एज यूजुअल, एंड मनीष पॉल कॉमिक रोल वॉज वेरी ग्रेट इन दिस मूवी, एंड And that's it. What do you want to say about the climax? I was seeing TikTok, you know, like giving this slap and they're giving slap and all. I was laughing very hardly, you know, in this, and ending was great. And how many stars would you love? I would give 4 out of 5. Thank you. कहना चाहोगे मूवी के बारे में? कैसी लगी मूवी आपको? बहुत सारे कलाकार था, who was the best performance among? What about you? And Prajakta Goli ki pehli movie thi, how was his performance? Any message that would you love to give to the audience like from this movie? It's a really good movie. It teaches you a lot about life, love, respect, and all. Relationships, they've shown relationships in a very relatable film. And they are hard, but the way they have gone through it and anything is okay. And what do you want to say about the climax? Kaisa laga ko climax last mein? काफ़ी सॉन्ग्स है, कोई ऐसा बेस्ट सॉन्ग आपको लगा जो आप? मुझे रंग के सारे बहुत नाच। लास्टली हाउ मेनी स्टार्स वुड यू लव टू गिव? 5 आउट ऑफ 5। थैंक यू। थैंक यू। कहोगे जुग जुग जियो के बारे में? जुग जुग जियो फुल फैमिली पैकेज मूवी है, या फुल फैमिली इंटरटेनमेंट है।
गुड न्यूज के बाद राज मेहता ने एक बार फिर से फैमिली इंटरटेनमेंट मूवी बनाई है, सुपर्ब है, बवाल मूवी है, आप लोग देखो इस मूवी को, आपको फुल इंटरटेनमेंट मिलने वाली है, भर भर के मिलने वाली। सबसे अच्छा कलाकार कौन लगा इसमें? भाई अनिल कपूर, अरे भाई पूरी मूवी खा गया, रियली बता रहा हूँ, अनिल कपूर ने पूरी मूवी को संभाल लिया। ये नहीं बोल रहा हूँ कि वरुण धवन ने अच्छे काम नहीं किया, वरुण धवन ने भी अच्छा काम किया, कियारा आडवाणी भी अच्छी काम की, नीतू कपूर मैम भी अच्छी काम की, लेकिन अनिल कपूर के सामने सब फेल। बंदे ने क्या काम किया यार, मतलब कॉमेडी तो किए उन्होंने, मतलब कि एक एक इमोशनल सीन देख लो उनका, उनका एक्टिंग यार देखने लायक है, सुपर। प्राजक्ता गोली पहली मूवी है जी, उनके बारे में उनकी बेटी का कैरेक्टर निभा रही है अनिल कपूर का, तो उनका भी काम ठीक है, जो उनके फैंस हैं उनको काफ़ी पसंद आएगा उनका रोल, कोई छोटा रोल है लेकिन पसंद आएगा। कोई ऐसा मैसेज जो मूवी देना था? मूवी में मैसेज बहुत समझने वाली मैसेज है, और ये खासकर उस कपल को देखना चाहिए जो ऑलरेडी शादीशुदा है या जिनकी शादी होने वाली है या जो अभी लव में पड़े हुए हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा मैसेज लेके जाएंगे कि किस तरीके से लाइफ शादी करने के बाद गुजारनी है, किस तरीके से जीनी है, वो सब मूवी के जरिए बताया गया। मूवी में सबसे अच्छा गाना कौन सा लगा? गाना मेरे को वो पंजाबी वाला सॉन्ग ज़्यादा अच्छा लगा, वो स्टेज पर सॉन्ग होता है ना वो, हाँ। मेरे को काफ़ी पसंद आया। और लास्ट में क्लाइमेक्स कैसा लगा? क्लाइमेक्स सुपर, हैप्पी एंडिंग, एक चीज़ बोलो हैप्पी एंडिंग, प्लीज़ आप आओ फैमिली लेके फुल इंटरटेनमेंट। एक चीज़ बोल सकते हैं धर्मा इज बैक, मतलब धर्मा प्रोडक्शन की फिल्में जितनी भी पिछले आ रहे थे सारे कहीं ना कहीं निराश कर रही थी, लेकिन इस मूवी ने हम लोगों को थोड़ा खुशहाल किया। 5 out of 4 stars दूँ। थैंक यू। What the movie? मूवी बहुत बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस 2022 की, वन ऑफ द बेस्ट मूवीज, क्योंकि ये मूवी में फैमिली मूवी है, ड्रामा है, इमोशंस है, स्टोरी बहुत अच्छी अनुराग सिंह की, सिनेमेटोग्राफी बहुत ही अच्छी, एक लार्ज कैनवस है, तो जय पटेल जिसकी सिनेमेटोग्राफर है, बहुत ही हर एंगल से बहुत अच्छे सॉन्ग्स बहुत अच्छे से शूट किए गए, और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है म्यूज़िक, राइट। तो चाहे वो नच पंजाबन हो या और सॉन्ग्स भी जितने भी हैं, और एक गाना है रंगी सारी जो हमारी फैमिली फ्रेंड है कविता सेठ जी और उनका बेटा, उन्होंने गाया है कनिष्क, तो वो गाना उन्होंने म्यूज़िक कंपोज भी कर गाया भी, इससे पहले उन्होंने बेकअप से और कॉकटेल और नीजा मूवी में गाया है, तो वो गाना तो ऑलरेडी आइकॉनिक सॉन्ग बन गया है। रंगी सारी गुलाबी चुनरी, मतलब एक क्लासिकल सॉन्ग है, ठुमरी है शोभा गोटू की, और आप उधर लिए थोड़ा जाके गाड़ी जाने दो यार। किसका लगा सबसे बेस्ट किरदार आपको किसका लगा? मुझे सबकी किरदार अच्छी लगी, मनीष पॉल की कॉमेडी बहुत अच्छी लगी, प्राजक्ता कोहली जो यूट्यूबर है उनको भी बहुत अच्छा कवरेज मिला, वरुण धवन का बहुत अच्छा रोल है, लोग बोलते हैं उनको ट्रोल करते हैं कि उनकी एक्टिंग नहीं आती, तो कॉमेडी हो इमोशंस उनका भी रोल बहुत अच्छा है, लेकिन जो दो एक्टर जो छा गए उन्हें, एक तो अनिल कपूर जो बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर है, इमोशंस हो ड्रामा हो कॉमेडी हो सब में छा गए, और दूसरी नीतू सिंह जी, इतना सटल, इतना एलिगेंट और इतना ग्रेसफुल उनका रोल है, और लगता है इतने टाइम के बाद वो आई हैं, मतलब फिर भी ऐसे वो ढल गए अपने रोल में, और इसके साथ में कायरा आडवाणी, वो भूल भुलैया 2 में उनको ज़्यादा रोल नहीं मिला था, लेकिन ये मूवी में उनका बहुत ही अच्छा सटल पेट्रोल पोर्ट्रेल है। 5 out of 4 stars आई गिव 4 stars थैंक यू सो मच। चाहोगे मूवी के बारे में? जुग जुग जियो अच्छी मूवी थी, फुल एंटरटेनिंग मूवी थी, बहुत अच्छी मूवी थी। और वरुण धवन, बहुत सारे कलाकार थे, उनका किसका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस लगा? सभी मतलब कि अच्छे कलाकार थे, सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, स्पेशली वरुण धवन की मेरे को बहुत अच्छी लगी, एंड कहीं ना कहीं आपको बोर नहीं होने देगी ये मूवी, मूवी में कहीं पे भी लाइक ज़बरदस्ती आपको ह्यूमर नहीं घुसाया गया, ज़बरदस्त हमने सारी की कोशिश नहीं की हुई है, अप्स एंड डाउन बहुत है मूवी में, आपको बहुत जगह इमोशनल करेंगे और बहुत जगह आपको हंसाएंगे भी, आपको सुला देंगे बट लेकिन आपको रोने नहीं देंगे, वापस आपको हंसाएंगे। क्लाइमैक्स कैसा लगा? क्लाइमैक्स बहुत ज़्यादा अच्छा था, हैप्पी एंटरटेनिंग मूवी थी, और हैप्पी एंड था उस मूवी में, और लाइक अच्छी मूवी थी, मनीष पॉल सर का अच्छा रोल था उसमें, बट कहीं ना कहीं प्राजक्ता कोहली जो थी जिनकी डेब्यू मूवी है उनको कहीं ना कहीं थोड़ा कम रोल दिया गया, बिकॉज बहुत सारे फैंस ऐसे होंगे जो सिर्फ प्राजक्ता को देखने के लिए आ रहे हैं, ओके, तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ा निराशा होगी कि थोड़ा उनको कम रोल दिया। बाय द वे मूवीज ऑसम है। 5 out of 4 stars जो मिला? 5 out of 4.5 stars थैंक यू। थैंक यू। जुग जुग जियो के बारे में
अच्छा मूवी था। और कौन अच्छा लगा, सबसे अच्छा किसका किरदार लगा? हाँ सबका ही था, अनिल कपूर का अच्छा था। और मनीष पॉल और वरुण धवन के बारे में क्या कुछ कहना है, उनका किरदार अच्छा एक्टिंग था। और क्लाइमेक्स किस तरह का क्लाइमेक्स लगा लास्ट? अच्छा ही था सब। फाइव आउट ऑफ कितने स्टार्स? हाँ थ्री एंड हाफ।